नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजन बड़ियाल। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में पीडीपी विधायक की सुरक्षा में तैनात एसपीओ 7 AK-47 राइफल लेकर और एक पिस्टल लेकर फरार। बीएसएफ जवान से बर्बरता का भारत ने लिया बदला, मार गिराए 11 पाकिस्तानी सैनिक, सीमा छोड़ भागे दुश्मन। जम्मू कश्मीर में धमकी भरे पोस्टर जारी करने के आरोपित सरगना गिरफ्तार। एशिया कप के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से दी शिकस्त। अब समाचार विस्तार से। मध्य कश्मीर के श्रीनगर से पीडीपी विधायक की सुरक्षा में तैनात एसपीओ उनके घर से शुक्रवार को 7 AK-47 राइफल व पिस्टल लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद श्रीनगर व आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही उसकी तलाशी के लिए भी व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया गया है। श्रीनगर के बीचों बीच ये पहली ऐसी घटना है जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। शहर के हाई सिक्योरिटी जोन वाले इलाके जवाहरनगर में पीडीपी विधायक इजाज मीर के सरकारी आवास से एसपीओ सरकारी हथियार लेकर फरार हो गया। हथियार लेकर फरार एसपीओ उनकी सुरक्षा कवच में तैनात था। पुलिस के एक आला अधिकारी ने बताया कि एसपीओ मौके से 7 AK-47 राइफल व पिस्टल लेकर फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू इलाके में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल नरेंद्र शर्मा के साथ की गई बर्बरता का बदला ले लिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीएसएफ के महानिदेशक केके शर्मा ने इसकी पुष्टि की। शर्मा ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर 2 दिन पहले हुई इस पहली जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी सेना और पाक रेंजर्स के खिलाफ अगली कार्रवाई की भी पूरी तैयारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना और बीएसएफ को अपनी जरूरत के मुताबिक सीमा पर कार्रवाई की छूट है। शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि 2 दिन पहले एलओसी पर बीएसएफ ने सेना की मदद से भीषण कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के कम से कम 11 जवान मारे गए हैं। दक्षिण कश्मीर में त्राल के साथ सटे क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से एसपीओ, पुलिस कर्मियों और निकाय व पंचायत चुनाव में भाग लेने वालों के लिए धमकी भरे पोस्टर जारी करने के आरोपित सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके आतंकी साहित्य, आतंकी संगठनों के लेटर पैड व मोहरे, धमकी भरे पोस्टर और कुछ डायरियां भी बरामद की हैं। फिलहाल उसके अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने विशेष दल गठित किए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 1 मार्च से त्राल, अवंतीपुर, पामपोर व सात सटे इलाकों में हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा नियमित अंतराल पर पुलिस कर्मियों, एसपीओ व अन्य सुरक्षा कर्मियों को नौकरी छोड़ने, पंचायत व स्थानीय निकाय चुनाव से बहिष्कार के फरमान संबंधी पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं। भारत ने सांस रोक देने वाली एशिया कप के खिताबी मुकाबले में अंतिम गेंद पर 3 विकेट से जीत हासिल कर 7वीं बार खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया को जीत के लिए 223 रन बनाने का लक्ष्य मिला था। छोटी छोटी साझेदारियों की बदौलत भारत ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत अपने खिताब की रक्षा करने में कामयाब रहा। गत दिवस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डिजिटलाइजेशन विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। डिप्टी लेबर कमिश्नर द्वारा आयोजित सेमिनार में श्रम एवं रोजगार विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में बोलते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी ने प्रोविडेंट फंड के डिजिटलाइजेशन पर जोर डालने की बात की ताकि श्रम कानून तथा राजस्व वसूली की प्रक्रिया में आसानी हो सके। स्वच्छता अभियान के मद्देनजर स्कूली बच्चों द्वारा गांधीनगर क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए जनचेतना रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने बैनर के माध्यम से जनता को संदेश दिए। पत्रकारों के माध्यम से शिक्षकों ने लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई रखने की भी बात की। हम इंडियन हैं, ये हमारी एग्जिस्टेंस है। इस देश को बचाना, इस देश को आगे ले जाना भी हमारा ही कर्तव्य है और ये हमने बच्चों को समझाना। नगर
सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर बेस्ट असेंबली मूवमेंट की ओर से पाक विरोधी रैली निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों के माध्यम से मूवमेंट के प्रधान सुनील डिंपल ने माननीय राज्यपाल से अपील करते हुए राज्य से बांग्लादेशी व रोहिंग्या नागरिकों को वापस भेजे जाने की मांग की। वहीं उन्होंने अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार करने तथा उनकी सुविधाएं वापस लिए जाने की भी मांग माननीय राज्यपाल से की, ताकि घाटी में हालात सामान्य हो सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनिल गुप्ता की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने चुनावों के मद्देनजर चुनावों से बहिष्कार करने वाली चार पार्टियों की मान्यता रद्द किए जाने की बात की। वहीं उन्होंने घाटी में भाजपा की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को और मतदाताओं को अपनी शुभकामनाएं भेंट की। कि हमारे यहाँ पर चार पोलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, दो स्टेट पार्टीज हैं और दो नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और बीएसपी और सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, जिन्होंने कि इलेक्शंस को बायकॉट किया है। ये जो है वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 29A(5) के बरखिलाफ है। जिन पार्टियों को रिकग्नाइज किया जाता है, नेशनल रिकग्निशन दी जाती है, स्टेट रिकग्निशन दी जाती है, उनको रिजर्व इलेक्शन सिंबल दिया जाता है और वो एफिडेविट भरते हैं कि वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है इलेक्शन वगैरह जब भी होंगे उनमें हिस्सा लेंगे, लेकिन इन लोगों ने इलेक्शन को बायकॉट करके ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की तोहीन की है, लोगों की भी तोहीन की है, कश्मीर के लोगों की तोहीन की है, जम्मू कश्मीर के लोगों की तोहीन की है। और पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे किया था, जैसे कि अकाली दल 1992 में, 1996 में पीपल कॉन्फ्रेंस और 1998 में नागा हो, ये पार्टियां उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डीरिकग्नाइज कर चुकी है क्योंकि इन्होंने इलेक्शन हिस्सा नहीं लिया। रंजीत बीएड कॉलेज में गांधी जयंती के उपलक्ष में इंटर कॉलेज क्यूज मुकाबले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेज के प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कॉलेज के एमडी मनमीत सिंह विशेष तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने विजेताओं को सम्मानित करते हुए अपनी शुभकामनाएं भेंट की। राज्य में गत रात्रि हुई बारिश से जहां आम जनजीवन असामान्य हुआ, वहीं रेलवे प्रशासन की भी पोल खुलती दिखी। बारिश पड़ते ही प्लेटफार्म के ऊपर पड़ी शेड से पानी नीचे गिरने लगा, जिससे अफरा तफरी से यात्रियों को अपना सामान संभालना पड़ा और पानी से बचने के लिए जगह तलाशनी पड़ी। वहीं कुछ यात्रियों का सामान गीला होने के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। निकाय चुनावों के मद्देनजर चुनावी बिगुल बजते ही वार्ड नंबर 3 से 3 आजाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य अजमा रहे हैं। पहली प्रत्याशी विजय रैना ने पत्रकारों के माध्यम से उन्हें बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। मैं विजय रैना वार्ड नंबर 3 से, मैं आप सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार और मैं आपसे ये अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे भी वोट दें। और मैं बहुत देर से इस पार्टी मतलब सब लोगों के साथ जुड़ी हूँ, बहुत काम किया है मैंने, सब जानते हैं मुझे, मैं कितना काम करती हूँ इतनी देर से। आप मुझे एक मौका दीजिए जिससे मैं आप लोगों की सेवा कर सकूँ और मुझे कामयाब करें, तो आप देखें कि भाई हम किस तरीके से काम करते हैं और करते आए हैं, हमें मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए। वहीं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह तथा विक्रांत शर्मा ने भी बहुमत से उन्हें विजय बनाने की अपील करते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा किया। मैं सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट वार्ड नंबर 3, चुनाव निशान मेरा जो है वो टेलीफोन है, लैंडलाइन, और मैं अपने मल्ले वालों को अपील करता हूँ मुझे वोट डालें, वो वोट डाल के मुझे कामयाब करें, उसके बाद जो भी काम होगा मैं 24 घंटे तैयार हूँ, जिसमें पानी का काम, गलियों का काम, अपना जंगले का काम, कोई भी काम होगा तो मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपसे अपील करता हूँ मुझे वोट डालें और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा। मैं विक्रांत शर्मा, वार्ड नंबर 3 का कैंडिडेट, उर्फ बंटी मेरा नाम है, निशान मेरा टार्च है। मैं इस बार जो इलेक्शन में खड़े हुआ हूँ, मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की तरह झूठे वादे नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो वार्ड नंबर 3 के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण है, कैंसर, डायबिटीज, वो है यहाँ का पानी। घर घर में इतना गंदा पानी आता है कि कहने की बात नहीं। सबसे पहले जीतने पे मैं यहाँ पे कंपनी बाग का पानी लाऊंगा, जो मैं वादा करता हूँ।
आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेंट एडवांसेस इन पेन का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए दुनिया भर से 300 डॉक्टर जम्मू पहुंचे और रिसेंट एडवांसेस इन पेन मैनेजमेंट पर अपने पेपर प्रस्तुत किए और पेन मैनेजमेंट की नई तकनीकों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रोहित लाहौरी और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर पंकज सुरानगी ने कार्यक्रम तथा पेन मैनेजमेंट दोनों विषयों की विस्तृत जानकारी दी। ये फर्स्ट इंटरनेशनल पेन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो J&K में है और वो भी हमने पेन पे करवाई है। जो ये पेन का आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका क्या आउटकम है। देखिए, इतनी बड़ी पेन का कॉन्फ्रेंस का करने का हमारा जो मकसद था वो ये है कि बाहर मुल्कों से लोग आएँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे करीबन 7 से 8 मुल्कों के लोग आए हुए हैं और 300 डेलीगेट एंड फैकल्टी यहाँ पे बैठी है। अलग अलग किस्म के टॉपिक्स हमने हैं जो डिस्कस हो रहे हैं पेन को लेके, कैंसर पेन्स को डिस्कस हो रहा है, लो बैक पेन्स को, अलग अलग किस्म के पेन्स को, हिप पेन्स को, नी पेन्स को, और उन सब पे जिन जिन लोगों ने काम किया हुआ है, जो रिसर्च कर रहे हैं ग्लोब में, पूरे दुनिया में, उनको हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है ताकि वो अपने पेपर्स बताएं, ताकि वो अपने तरीके बताएं हमें कि वो उनका कैसे इलाज करते हैं, और हम लोग वो मिल बांट के उससे सीखें कुछ यहाँ पे डॉक्टर्स, और ताकि उसका बेनिफिट जो है हम कॉमन मास को, पब्लिक को दे पाए। एक घंटे के अंदर प्रोसेस खत्म हो जाता है, हमको कोई चीरा फाड़ी करनी जरूरत नहीं पड़ती। सेम थिंग फॉर स्पाइन डिस्क प्रोडक्ट्स, स्लिप डिस्क, स्पाइन फ्रैक्चर है, ऑल दीज थिंग्स, ये सब जितने भी कंडीशन हैं, इन सबको हम आजकल बिना खोले, बिना स्पाइन को खोले हम उनको मैनेज कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टोमी जिसको बोलते हैं, उससे हम अंदर छोटे से स्कोप से अंदर जाके उसको हम डिस्को प्रोलैप्स जो है, जो डिस्क्रिप डिस्पोर्शन है, उसको निकाल सकते हैं। स्पाइन फ्रैक्चर है, स्पाइन फ्रैक्चर को छोटे से होल से अंदर जाके हमको देखते हुए, बाहर से देखते हुए हम उसको अंदर से आके उसको फिक्स कर सकते हैं। ऋषि कश्यप स्वास्थ्य सेवा यात्रा की 5वीं वर्षगांठ पर आज नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन सीमा जन कल्याण समिति ने वेलिडिक्ट्री फंक्शन का आयोजन किया। इस अवसर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्रों ने राज्य के भौगोलिक परिवेश को दर्शाने का प्रयास किया। कीर्ति चक्र लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया का 7वां शहीदी दिवस उनके पैतृक गांव संगवाली में मनाया गया, जिसमें 29 डिप के GOC के नारायण मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके साथ 24 ग्रेनेडियर के कमांडिंग अफसर अनिल शर्मा भी शामिल हुए। लेफ्टिनेंट सुशील खजूरिया आज से 7 साल पहले 2011 में कश्मीर के कुपवाड़ा में एक मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। GOC ने शहीद सुशील खजूरिया की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर सलामी दी और कहा कि 1965, 1971, 1999 और आज तक हमारे वीर जवान दुश्मनों को नाकोचने चबाने के मजबूर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश की सेना का साथ देने और हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों का भी बड़ा योगदान है। निकाय चुनावों के मद्देनज़र शहर में प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जोरों शोरों से प्रचार में जुट गए हैं। चुनावी मैदान में वार्ड नंबर 46 से कांग्रेस के उम्मीदवार द्वारका चौधरी ने आज डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से लोगों को अपने हक में वोट डालने की अपील की। मैं गुजारिश करना वार्ड नंबर 46 दे सारे वोटर्स और जिन्हें भी लोग इतने रहते हैं कि वो मेरी फेवर दे विच, मतलब मैं कांग्रेस हाई दा कैंडीडेट हाँ, मेरी फेवर दे विच वोट कास्ट करन और मैनू जिहड़ी ओह कामयाबी दलान, और जिन्ना भी काम है इस बार दा वो मैं दोबारा ताके इस दे बाद शुरू करां, और जिन्ना भी आज सफाई दा, पानी दा, चाह कोई भी प्रॉब्लम वार्ड दे विच है उन्हें अस दूर करचै। जम्मू की बेटी दीपशिका शर्मा ने मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना और रियासत का नाम रोशन किया है। दीपशिका ने हाल ही में दिल्ली में एक इवेंट में मिस मल्टीनेशनल का खिताब अपने नाम किया। दीपशिका 6 अक्टूबर से फिलीपींस में मिस अर्थ पेजेंट में भी भाग लेंगी। निर्भव निष्काम संस्था ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। संस्था के चेयरमैन रमनीक सिंह सासन ने पत्रकारों को पीड़ित कृष्ण सिंह निवासी गाड़ीगढ़ के साथ हुई बर्बरतापूर्ण वाक्य की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पीड़ित कृष्ण सिंह ने अपनी व्यथा सुनाने पर न्याय की गुहार लगाई।
सीमावर्ती क्षेत्र परग्वाल में हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक रैली निकाली। बैंड बाजे के साथ निकाली गई इस रैली में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वंदे मातरम तथा भारत माता की जय घोष के नारे लगाए। हमले का बदला लिया था पाकिस्तान में जाकर उनके कैंप तबाह कर कर, इस तरह हिंदुस्तान ने उन्हें हमले का बदला किया था और अपनी शहादतें दी थी। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र परग्वाल में बिजली विभाग की लापरवाही की पोल बिजली का एक खंभा खोल रहा है जो कि लगभग टूट चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर तूफान आया तो इस खंभे के कारण कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लोगों ने विभाग से इस खंभे को जल्दी बदलने की मांग की है। नाकामी की वजह करना है, आज तो देखो कि उनका पोल बिल्कुल टूटी गया है। उन्हें एयरटेल के पोल उपर अपन तारा बनी दी हालात इन्नी खस्ता है कि कोई बड़ा हादसा हो ही सकता है। अगर बड़ा हादसा होया तो उसका जिम्मेवार बिजली डिपार्टमेंट होग, क्योंकि पिछले दिनें NSपुरा गुलाबू छन्नी भी यह हादसा होया हा और उसका अंजाम लोगों की अपनी जान कन्ना चुकाना पिया, अपने जान माल कन्ना चुकाना पिया। मैं तुहाड़े चैनल के माध्यम कन्नै हानवल गवर्नर साहब अगर रिक्वेस्ट करना, बिजली डिपार्टमेंट अगर दोबारा रिक्वेस्ट करना कि मौके बराणियां दिखन और खंबे दी चेंज करन। आज डोगरा संगठन जम्मू के बैनर तले खुर्शीद अली की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में खुर्शीद अली ने जमीन विवाद पर चर्चा की। उन्होंने तो बताया कि चौधरी फकीर मोहल्ला जम्मू में उनकी पैतृक जमीन है जिसे मोहम्मद हुसैन नामक व्यक्ति ने जबरन कब्जा किया है। पत्रकारों से बात करते हुए खुर्शीद अली ने मामले की पूरी जानकारी दी। जितने भी भाई बहन हमारे पास आए हैं, आज इनका घर से निकलना बंद हो गया है। कुछ गुंडे इनको जबरदस्ती कर रहे हैं, गुंडे इनको मारने की धमकी दे, इनको बच्चे उठाने की बात कर रहे हैं। और मैं यही पूछना चाहता हूं गवर्नर साहब से कि अगर गवर्नर रूल में ये सब हो रहा है तो आने वाले कल में क्या होगा? अगर गवर्नर रूल में यही चलेगा तो सरकार के टाइम क्या होगा? हमने सुना था मिनिस्टर गुंडे पालते हैं, आज क्या गवर्नर साहब के टाइम ये एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है ये एक गवर्नमेंट मुलाजिम मतलब हथियार लेके उनके पीछे लग रहे हैं, उनके बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनके बच्चे उठा लिए जाएंगे। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, इनको इंसाफ दिलाया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में पीडीपी विधायक की सुरक्षा में तैनात एसपीओ 7 AK-47 राइफल लेकर और एक पिस्टल लेकर फरार। बीएसएफ जवान से बर्बरता का भारत ने लिया बदला, मार गिराए 11 पाकिस्तानी सैनिक, सीमा छोड़ भागे दुश्मन। जम्मू कश्मीर में धमकी भरे पोस्टर जारी करने के आरोपित सरगना गिरफ्तार। एशिया कप के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से दी शिकस्त। सेवन प्लस हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।